और उधर समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड सरकार के सौजन्य से बने महिला हेल्पलाइन ने 155 शिकायतों में से 153 मामलों का निपटारा कर अपने कार्यशैली का मिसाल प्रस्तुत किया है। वहीं महिला हेल्पलाइन निःशुल्क मदद करता आ रहा है। राज्य सरकार के सौजन्य से बने महिला हेल्पलाइन घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के साथ सरकारी उत्पीड़न, छेड़खानी, धोखाधड़ी के मामले निःशुल्क सेवा प्रदान करती है। अब तक कुल 155 मामले में से 153 मामलों का निपटारा कर चुका है। महिला हेल्पलाइन दोनों पक्ष की शिकायत को सुनकर काउंसलिंग के माध्यम से सारे मामले सुलझाता है। जब इससे बात नहीं बनती तब पुलिस की मदद और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कड़ाई करता है। महिला हेल्पलाइन के पास अब तक कितने केसेस आए हैं? हमारे यहाँ अभी तक केसेस आए हैं आपको 155 आए हैं। कितने केसेस का निपटारा किया? हमने 53 केसेस का निपटारा किया हुआ है। बहुत सारी बातें हैं पड़ताना कर महिलाओं को पड़ताना। हाँ, दहेज लेके, हाँ तो ज्यादातर दहेज का ही केस है। शादी हो गई, जिनकी शादी को 2 बरस बीता, जिनकी शादी को 6 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 20 साल हुआ, वो भी मारते हैं बीवी को कि हमको पैसा दो लाके, हमको आज ये खरीदना है, हमको बाइक खरीदना है, हमको दुकान में लगाना है, हमको दुकान खरीदना है, पापा से जाके 50,000 का हो, 3 लाख का हो, मतलब जिसकी जैसी हैसियत है वो अपने हैसियत से बढ़ के हमको लाके दो। दहेज प्रताड़ना का बहुत सारा मामला, दान प्रताड़ना का तो आया है, 2 केस आया अभी तक, जो कि आज के समय में है नहीं सही, इस पर तो पुलिस केस भी बन सकता है। आज के किसी समय में आप दान नहीं बोल सकते हैं, आप उसको नहीं बोल सकते हैं। अब देहात के लोगों का क्या सीख?